Hello students, here is your Joyita Ma'am again, and today we will discuss about some very important problem related to Williamson's ether synthesis. ठीक है ना? तो ये आपके जो upcoming exam है उसके MCQ solve करने के लिए बहुत मदद करेगी. तो बहुत बढ़िया से वीडियो को देखो और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना. Okay students, तो let's start the problems related to Williamson's ether synthesis. तो प्रॉब्लम्स करने से पहले बेटा हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली विलियमसन इथर सिंथेसाइज है क्या. ठीक है? अच्छा देखो, व्हेनेवर सोडियम और पोटेशियम एल्कोक्साइड इज ट्रीटेड विद द एल्किल हैलाइड देन इथर इज फॉर्म. तो व्हाट इज अबाउट द एल्कोक्साइड? एल्कोक्साइड एक्चुअली द सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल, बट एल्कोक्साइड बनाने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम एल्कोहल. देखो हमने एल्कोहल से स्टार्ट किया. Now you can give NaOH or you can give sodium metal, whatever it is your choice, and you will obtain RO minus Na plus plus water. This RO minus Na plus, this is your actually sodium alkoxide. You can may use the potassium hydroxide also, you get the potassium alkoxide. And in this state, if you give the alkyl halide, ab alkyl halide may be of same alkyl group, जैसे कि तुम्हारी सोडियम एल्कोक्साइड में है, ये सेम एल्किल भी यूज कर सकते हो और दिस इज योर चॉइस. यू कैन आल्सो यूज द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप. देन व्हाट विल बी हैपन, दिस ओ माइनस विल अटैक दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ओपन ओवर द एक्स. दिस इज वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ SN2 टाइप एंड दिस इज RO(R') प्लस NaX. सो दिस इज द विलियमसन ईथर सिंथेसाइज बाय द SN2 अप्रोच. ठीक है? अच्छा तो अभी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरह आएगी ना, ईथर विल बी गिवन. ठीक है? एक ईथर दे देंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ दैट ईथर. मतलब क्या है? देखो जैसे सपोज हमने ये ईथर ही तुमको दे दिए RO(R') दिस इज योर ईथर. हमने अगर तुमको पूछते हैं कि व्हाट विल बी द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ दिस ईथर अकॉर्डिंग टू दिस विलियमसन ईथर सिंथेसिस, तब देखो तुम्हारी आंसर तुम कैसे करोगे. इसके दो अप्रोच है. कैसा अप्रोच? एक हम इधर से इसको ब्रेक कर सकते हैं. अगर हम इधर से इसको ब्रेक करते हैं तो देखो ये R तो अकेले हो गए, R के साथ तुम जोड़ दो हैलाइड वाली पोर्शन, दैट इज RH हो गया. ठीक है? और ये जो R' O ये पोर्शन अलग हो गया. अब ऑक्सीजन शुड बी नेगेटिव, जानते ही हो क्योंकि कार्बन इज पॉजिटिव. तो ये R' O- इसके साथ तुम लगा दो Na+ या K+, तो एक हो गया एल्कोक्साइड, दूसरा हो गया एल्किल हैलाइड. ये एक ऑप्शन है. अब दूसरे बच्चे और एक क्या ऑप्शन ले सकते हैं, दे कैन ऑल्सो ब्रेक द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो, देन यू गेट R' X प्लस RO-Na+. बात समझ रहे हो मेरा? यदि से ईथर हमको दे रहे हैं एग्जाम में कि तुम इसके स्ट्रक्चरिंग मटेरियल लिखो अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसाइज. ठीक है? इसका क्वेश्चन पैटर्न तो इस तरह है, डायरेक्ट तुमको विलियमसन लिखने को ही नहीं देंगे. आगे समझ में? तो इसके हम लोग दो अप्रोच में डिवाइड कर सकते हैं, आइदर हम लोग इस तरह तोड़ेंगे नहीं तो इस तरह तोड़ेंगे. ठीक है? ये बेसिक बता दिए. अब देखो एक एक करके मैं प्रॉब्लम्स में आ रही हूँ जहां पे तुमको दिक्कत हो सकती है, जो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ना इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. देखो बेटा कुछ होती है एकदम सिंपल प्रॉब्लम, तो सिंपल प्रॉब्लम आने के चांसेस सर्टेनली कम होती है. लेकिन मे भी कुछ कुछ सिंपल प्रॉब्लम भी होती है जहां पे ऑक्सीजन के दोनों साइड में कार्बन एक जैसे ही है, मतलब दोनों साइड में 1 डिग्री कार्बन, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हम लोग को ये तोड़फोड़ करने के लिए. हम इधर से तोड़े और इधर से तोड़े बात बराबर होती है. पहले हम लोग उस तरह के एग्जाम्पल्स में आते हैं, उसके बाद जाएंगे थोड़ा डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में. देखो फर्स्ट प्रॉब्लम आई हैव टेकन हियर CH3O CH2CH3. इस ईथर को तुमको प्रिपेयर करना है. ऑल ऑफ यू नो दिस इज मेथॉक्सीथेन. इसको प्रिपेयर करने मानो एग्जाम में बोले हैं राइट डाउन द स्टार्टिंग मटेरियल. अब देखो ये कोई प्रॉब्लमेटिक केस है ही नहीं, वेरी सिंपल प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 1 डिग्री कार्बन है, ऑक्सीजन के बोथ द साइड में 1 डिग्री कार्बन है, तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं है. मानो किसी स्टूडेंट ने इस तरह डिवाइड किए तो उसके स्टार्टिंग मटेरियल होगी CH3Br प्लस CH3CH2O-Na+. That is methyl bromide and sodium ethoxide. But somebody also can do in this way. तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? CH3O-Na+
दैट इज सोडियम इथोक्साइड, क्योंकि इस साइड से ब्रेक किए, ये सेपरेट हो गया, तो इधर हम लोग लिखेंगे CH3CH2Br। ओके ठीक है, तो दोनों में कोई भी एक सेट हम ले सकते हैं। जनरली अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी तो लक बाई चांस है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम जनरल में आते हैं, तो अगर आ जाते हैं तो तुम इसमें से देखना, एक ही ऑप्शन रहेगी, उसको टिक करना है, क्योंकि कोई प्रॉब्लमेटिक केस इसमें नहीं है। प्रॉब्लम बेटा कहां से अराइज होती है, जहां से हम लोग के एक साइड में सेकेंडरी व टर्शियरी कार्बन अराइज होती है या एराइल ग्रुप के अराइज होती है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो टेकन एज अ लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसाइज। देखो दिस इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, वी हैव टू सिंथेसाइज दिस ईथर, इसके स्टार्टिंग मटेरियल हमको खोज के निकालना है एमसीक्यू में। अच्छा ये स्पेशलिटी क्या है इसमें, ऑक्सीजन की इस साइड देखो प्राइमरी कार्बन, ऑक्सीजन की इस साइड देखो टर्शियरी कार्बन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ना इथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर, कॉमन नेम। ओके अच्छा, तो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोच देखो इसको बनाने का। फर्स्ट तो स्टूडेंट सोचेगा हम इधर से तोड़ते हैं इसको, इधर से अगर ब्रेक करेंगे तो ये कार्बन सेपरेट हो गया, तो क्या लिखेंगे स्टार्टिंग मटेरियल CH3CH2Br प्लस ये टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड देखो CCH3CH3CH3O-Na+, हमने जस्ट इसको रिवर्स करके लिखे, आई थिंक यू हैव डोंट हैव प्रॉब्लम। अच्छा और एक अप्रोच क्या होती से हो सकती है ना, हम इधर से ब्रेक करेंगे, ठीक है, इधर से ब्रेक करेंगे तो ब्रोमीन डायरेक्टली इस टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच होती है, देख लो CH3CCH3CH3Br, ठीक है, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अच्छा और ये O माइनस एन ए प्लस सिंपल हो जाएगी CH3CH2O-Na+, दैट इज द सोडियम इथॉक्साइड। तो देयर आर टू डिफरेंट अप्रोच, अब परेशानी आएगी, तुमको सोचना है, डिसाइड करना है ये व्हाट इज द राइट वे ऑफ दिस प्रिपरेशन ऑफ दिस ईथर अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस। देखो पहले आंसर बताती हूँ मैं, फिर तुम सोचो ये आंसर क्यों हो रहा है। दिस विल बी द करेक्ट अप्रोच एंड दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ये अप्रोच कभी नहीं होगी एंड दिस इज योर करेक्ट अप्रोच। अच्छा करेक्ट अप्रोच के ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये तो नॉर्मल जानते हो O माइनस है, तो दिस विल गो एंड अटैक दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल ओपन एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड ईथर, दैट इज CH3CCH3O CH2CH3+NaBr, ये तो नॉर्मल केस है। लेकिन हम लोग डिसाइड क्या करेंगे, ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है, अगर हम सोच पाएंगे तब हम लोग की प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो जाएगी कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। देखो ये चीज को हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो प्रॉब्लम क्या होती है, टर्शियरी कोई भी हैलाइड जो है वो क्या चाहते हैं, टर्शियरी हैलाइड याद करो, टर्शियरी हैलाइड सब्स्टिट्यूशन से अधिक प्रेफर करते हैं एलिमिनेशन, क्यों, क्योंकि देखो जब इधर ये सब्स्टिट्यूशन करने जाते हैं ना तो ऑलरेडी एक लार्ज एटमोस्फियर होती है, और अप्रोच क्या था जो स्टार्टिंग में हमने बोले है एसेंट टू अप्रोच, तो एसेंट टू अप्रोच और इतनी बल्की एक एनवायरमेंट दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस ऑलरेडी प्रेजेंट, तो ये O माइनस इधर सेट होने में दिक्कत होगी, क्योंकि O माइनस पीछे से अटैक करके ब्रोमीन को रिलीज करना है। थिंक ओवर द एसेंट टू अप्रोच, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक कर रहा है ये जा रहा है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाते हैं ये टर्शियरी एनवायरमेंट में। और टर्शियरी एनवायरमेंट पे एक केस और होती है, देखो ये कार्बोकैटन अपने से बनने का भी एक कोशिश होती है, ये ब्रोमीन को हम निकाल दें अपने से बन जाएंगे, क्यों, और इफ यू ऑलरेडी नो टर्शियरी कार्बोकैटन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और स्टेबिलिटी के पीछे ये रीजन भी है एक स्टेरिक हिंड्रेंस, जैसे टॉयलेट नहीं कर पा रहे तो ब्रोमीन को खोल के भाई काफी रिलैक्स्ड हो जाते हैं, ये तरह तरह की चीज से है। फॉर दिस रीजन देखो ये O- के जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है इन द एसेंट टू अप्रोच, दिस इज टोटली बिकम इम्पॉसिबल इन दिस केस। तो एक्चुअली होता क्या है, इसके तो एक टेंडेंसी है ही ब्रोमीन निकल के कार्बोकैटन बनाने का, और वो टेंडेंसी में ये और ज्यादा साथ देते हैं, ये क्या करते हैं देखो, ये CH3CH2O-Na+ जो है ये जाके इधर से हाइड्रोजन को पकड़ते हैं, दिस विल गो अहेड और इधर ब्रोमीन मिला छोड़ दिया या दिस ब्रोमीन विल, ठीक है, रिमूव, दैट इज ये हाइड्रोजन को पकड़ के ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करवा के ब्रोमीन निकालने में और आसान कर देते हैं। ऐसे नॉर्मली भी कार्बोकैटन नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी टाइम चाहिए,
बट ये प्रेजेंस में बहुत जल्दी ये काम हो जाते हैं. तो अल्टीमेटली व्हाट यू पीपल गेट ना, दिस इज CH3 डबल बॉन्ड CH2 और इधर तुम्हारी नॉर्मली CH3 CH2OH प्लस सोडियम प्लस इज वेट फॉर द ब्रोमीन. तो यू गेट द NaBr एंड यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल कंपाउंड हियर दैट इज द आइसोब्यूटाइलीन, वेरी फेमस कंपाउंड कमन नेम. ये आइसोब्यूटाइलीन भी दूसरे क्वेश्चंस के लिए तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत क्वेश्चंस के देखकर शुरुआत हो जाती है ये आइसोब्यूटाइलीन इज ट्रीटेड विद दिस. तो ध्यान रखना इस कंपाउंड के ऊपर. IUPAC इज 2-methylpropene. तो देखो बेटा, इंस्टीड ऑफ दिस ईथर एक्चुअल हम लोग को क्या मिल गया ना, ये एल्कीन. तो इसके रीजन ही हम लोग को बताते हैं जो टर्शियरी एल्कीन हैलाइड्स जो होती है ये बेटर प्रेफर क्या करते हैं, एलिमिनेशन रेदर देन द सब्स्टिट्यूशन. तो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होती है तो ईथर बन ही नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके कार्बन कैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है. और दूसरी चीज है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, क्राउडिंग हो जाते हैं जो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में देता ही नहीं है. तो न्यूक्लियोफाइल ये काम कर देते हैं बेस के तरह, ये हाइड्रोजन को छीन के ले आते हैं, ठीक है. तो फॉर दिस रीजन हमेशा याद रखेंगे हम लोग, ये कोई भी ईथर अगर एग्जाम में आ गया जिसके एक साइड प्राइमरी है दूसरे साइड टर्शियरी है, इन द सेम केस सेकेंडरी में भी होगी. दूसरे साइड अगर सेकेंडरी है या टर्शियरी है तो बेटर वी नेवर प्रिपेयर सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड. सेकेंडरी व टर्शियरी कार्बन जो भी रहेगा उसको हम लोग कभी हैलाइड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसके एल्कोक्साइड ले लेंगे, ठीक है. तो दैट इज ये अप्रोच करेंगे, जो प्राइमरी पोर्शन होगी उसकी हैलाइड लेंगे और जो सेकेंडरी या टर्शियरी पोर्शन होगी उसका क्या ले लेंगे ना, एल्कोक्साइड लेंगे, ठीक है. तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. ऑल ऑफ यू मस्ट रिवाइज दिस. ओके, नाउ अगेन अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, we have to prepare this ether. This is phenolic ether. And all of you know this is methoxybenzene. और इसके बहुत important और बहुत famous जो name होती है, that is the anisole. ज़्यादा परिचित है दुनिया में anisole नाम के. अच्छा, तो ये compound को भी हम लोग prepare करेंगे. Again, we have to apply both the approach. देखो मेरा first approach क्या है? हम इधर से cut करते हैं, ठीक है? तो इधर से अगर cut कर देंगे हम, तो benzene बेचारा अकेले हो गए, तो इधर bromine दे दो. और ऊपर में क्या रखोगे, CH3 के साथ ऑक्सीजन गए हैं तो सर्टेनली O-Na+, दैट इज योर ब्रोमोबेंजीन एंड सोडियम मिथॉक्साइड. ये एक पेयर होती है. दूसरी पेयरिंग कैसे करेंगे हम लोग, इस जगह से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. तो इस जगह से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो CH3Br प्लस बेंजीन रिंग के साथ हम लगा देंगे अभी O- ऑलरेडी लगा हुआ है O-Na+. व्हाट इज दिस, मिथाइल ब्रोमाइड एंड सोडियम फेनोक्साइड, फेनॉल के सोडियम सॉल्ट, दैट इज सोडियम फेनोक्साइड. सो दिस टू टाइप ऑफ अप्रोच और दिस टू टाइप ऑफ पेयर्स आर पॉसिबल, ठीक है. अब तुमको चॉइस करना है इसमें से ये कौन सी आंसर आएगी, दैट इज हम ये दोनों को मिक्स करके एनिसोल बनाएंगे ना, ये दोनों को मिक्स करके एनिसोल बनाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन. ओके, अच्छा, सो देखो हम पहले आंसर बताती हूँ कि दिस अप्रोच इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो पाएगी. कौन सी सही अप्रोच है ना, दिस वन, ये होगी, ये नहीं हो पाएगी. अब ये कैसे होगी, वो तो वेरी इजी है. ये O- जाके इसको अटैक करेंगे, इट विल ओपन SN2 अटैक नो डाउटली एंड दिस विल बी द OCH3 एंड NaBr, आराम से यू गेट योर एनिसोल. अब देखो ये अप्रोच क्यों नहीं होती है, क्वेश्चन ये बनते हैं. ओके, अब देखो ये O- भी तो जाके इस कार्बन में अटैक करके इस ब्रोमीन को निकाल सकते थे, देन वी गेट दैट एनिसोल अगेन. लेकिन पहले आंसर बोल रहे हैं हम लोग जो ये नहीं हो पाएगी. अब तुम दिमाग से सोचो ये क्या क्यों नहीं हो पाएगी. दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल सोडियम मिथॉक्साइड O-. अब तुम न्यूक्लियोफाइल को ले जाके कहां पे अटैक करवा रहे हो, बेंजीन रिंग में. तो सोचो बच्चे, इज इट पॉसिबल एक न्यूक्लियोफाइल वो इलेक्ट्रॉन के भंडार में कैसे जाएगा, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दिस बेंजीन रिंग देयर इज अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऊपर से ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन तो अलग ही है, छोड़ दो उसको. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन की जो भंडार होती है 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बेंजीन रिंग के चारों ओर क्या है, एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम लोग सोचते हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है और तुम इसमें एक न्यूक्लियोफाइल को लेके जा रहे हो, तो क्या होगी, कांटे का टक्कर एकदम, दैट इज न्यूक्लियोफाइल को घुसने नहीं मिलेगा. तो फॉर दिस रीजन ये अप्रोच
नेवर बिकम पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। ये बेंजीन रिंग में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगी और तुमको आराम से एडिसोल मिल जाएगा। तो डोंट चूज दिस वे। तो याद रखेंगे हम लोग, एक तो पहले के प्रॉब्लम में बोले जब कार्बन की ऑक्सीजन की दोनों तरफ प्राइमरी है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ऑक्सीजन के एक साइड अगर सेकेंडरी या टर्शियरी है देन तुमको दिमाग ठंडा करके सोच लेना है जे हमको क्या करना है, ठीक है। तो जो हम लोग पिछले प्रॉब्लम में डिस्कस किए, और ये थर्ड वन जहां पे बेंजीन रिंग एंटर करेगा, ठीक है, दैट इज फेनोलिक ईथर। हमने तो एक एग्जांपल बोले, कुछ भी आ सकते हैं। तो फेनोलिक ईथर में दिमाग में ये रखना है कि कभी भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेंजीन रिंग में पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो फॉर दिस रीजन वी मस्ट चूज दिस वे, दैट इज ब्रोमीन हमेशा कहां पे अटैच होगी, ना प्राइमरी पर सेकेंडरी जो भी कार्बन है उसके साथ अटैच होगी, और बेंजीन रिंग हमेशा हम लोग फिनोक्साइड टाइप के बनाएंगे, दैट इज कभी भी ये ऑप्शन अराइज करने देंगे ही नहीं। सो दीज आर द विलियमसन्स ईथर सिंथेसाइज रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड आई थिंक एंड वी होप दिस टाइप ऑफ ये दोनों प्रॉब्लम में एक तो मिलेगा ही तुमको अपकमिंग बोर्ड में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई बच्चे इस वीडियो को छोड़ना नहीं और अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम।